तो सेकेंड डे भी हम आए हैं अपने ऑफिस के बाद डायरेक्ट हंग्री बर्ड्स, ये हमारा एकदम एपी सेंटर बन चुका है सारे बातें डिस्कस करने का। और जब तक हम जयपुर में फाइनली एक फ्लैट नहीं देख लेते, बिकॉज मैनी ऑफ यू डोंट नो दैट आई एम शिफ्टिंग टू जयपुर, और इसीलिए मैं इतने दिनों से चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, एंड फाइनली वी हैव डिसाइडेड अ प्लेस। आई लेट यू नो एवरीथिंग अबाउट सारी चीज़ें जो अभी होने वाली हैं, बट सबसे पहले जो भी एक्सप्लोर कर रही हूँ वो तुम लोग एंजॉय करो। तो अभी हम थोड़ा चाय पीने आए हैं और इसके बाद वी विल गो फॉर फ्लैट हंटिंग। कूलर वाली चाय देखती थी जीटी होते यहाँ पे जाने वाले हैं। रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि थोड़ा खाना वहाँ पे खराब है। आपको वीडियो में मैसेज भेज देता हूँ। अच्छा है, कितना? हाँ हाँ, वीडियो तो मिल जाएगी। वो तो ये सब पूरा नहीं है आपको। काफ़ी सारे फ्लैट्स देख लिए हैं, उसके बाद अब भूख लग गई है तो हम कुछ खाने के लिए आए हैं। तब तक कमेंट्स में बता दो कि जो फ्लैट देखा है तुमने ये कैसा लगा। कैफे आए हैं, इज अ वेरी, हाँ बोलो बोलो, बहुत इसका जो एम्बियंस है वो बहुत ही सुंदर है। झूले लगे हुए हैं यार, यहाँ पे झूलते झूलते खाना खाओ, एंड द एम्बियंस इज रियली रियली ब्यूटीफुल। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कैफे, एंड नाम मैं बता दूँगी, मैं खुद ही भूल गई किस कैफे आई हूँ, बट मैं नाम मेंशन कर दूँगी जो भी होगा। दिस कैफे इज इन मालवीय नगर एंड द एम्बियंस इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको स्मोक वगैरह करना है तो यहाँ पे लोग स्मोक भी कर रहे हैं, सो यू कैन सिट एंड हैव योर सिगरेट वगैरह एज वेल। आज मुझे होटल चेंज करना पड़ा क्योंकि ऑफिस अकोमोडेशन हमारा ख़त्म हो चुका है। बोलते तुम जा ही रहे हो। तो जब तक हमें फाइनली एक अच्छा सा फ्लैट नहीं मिलेगा तब तक दिस इज गोइंग टू बी द प्लेस वेयर आई विल स्टे। अब फिर देखते हैं। और ये जयपुर की गर्मी में गन्ने का जूस पीने आए हैं हम ऑफिस से। अभी मैं ऑफिस से वापस आई हूँ, तो जयपुर में कुछ जगह हैं जहाँ पे हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ एल ओ सी लव ओवर कॉफ़ी, मेरे होटल के बहुत ही पास है, तो मैं कॉफ़ी पीने और फ्रेंच फ्राइज खाने आई हूँ फिलहाल, तो खाना कहीं और खाएंगे। अभी हम आए हैं काना रेस्टोरेंट, और जयपुर में अगर तुम्हें थाली वगैरह खानी है और प्रॉपर साउथ इंडियन फूड खाना है या जो सारी चीज़ें खानी है, किसका फ़ोन है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत ही टेस्टी खाना है और बहुत ही अच्छा खाना है। खाने से पहले ही डेजर्ट्स ले आए ये लोग, कोई बात नहीं, रुकी मिस्टेक, बट अच्छा लग रहा है तो सब चलता है। पाव भाजी भी आ गई है और थोड़ा अच्छी भी लग रही है देखने में, अब खा के बताती हूँ कैसी है। ब्लॉक के चक्कर में उल्टे हाथ पे खाना पड़ रहा है। इट्स गुड। लो मेरा कब आएगा, मैंने डोसा और, अरे आ गया आ गया आ गया, थैंक यू सो मच भैया। सांभर बड़ा भी किया है, उसको थोड़ा सा देर में दे दोगे अभी? सब ठीक है। बहुत ही भैया सभी साथ में लेके आ गए हैं। एंड नाउ वी आर एट अक्षय पात्र मंदिर, और ये कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके ऑपोजिट में सारे बच्चे बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे गार्डन है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं पेरेंट्स, और स्टॉल्स भी लगे हैं, शॉप्स भी हैं, लेकिन दर्शन बंद हो गए इसलिए हम अंदर तो नहीं जा पा रहे, बट ठीक है। फाइनली मेरा फ्लैट ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है, अब जो थोड़ा बहुत है वो मैं बाद में करूँगी। और बालकनी से ये व्यू है, यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए इस तरीके से, एंड दिस इज़ माय न्यू फ्लैट, टाटा।
तो जैसे कि तुम्हें पता है कि जब से मैं जयपुर आई हूँ, मैं इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहा है, यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, फिर भी ब्लॉग मैं कवर कर रही हूँ हर हालत में। तो अगर ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं देन लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हो, मैं वहाँ पे काफ़ी सारे रिलेटेबल ब्रांड्स पोस्ट करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो और नेक्स्ट वीडियो तक बाय। बताओ गाइस, हम मिल रहे हैं गोवा मार्केट ट्रिप के बाद, दिन बाद दर्शन दिया इतनी लड़ाई होने के बाद, इतनी लड़ाई होने, इतनी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए मेरा फोन उठा है। मैं तुम्हें एक एक चैट दिखाऊंगी, एक एक चैट और एक एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, इसमें तरस आ जाएगा।